Hello everyone, welcome to my channel. So children, finally class 12 term 1 results have been declared. और ये जो results declare हुए हैं ये सिर्फ theory के हैं, because CBSE has to say, like you can see here what CBSE says is that जो internal marks थे वो already schools के पास हैं. So to complete the record, you know, for the results of term 1, theory results have been sent to school. ये directly schools को भेज दिए गए हैं and probably individually सब बच्चों को mail किए जाएंगे, okay? Here if we see the news piece, यहाँ पर आप देखोगे, Central Board of Secondary Education on Saturday communicated the class 12 results term 1 to the respective schools. तो स्कूल्स को बता दिया गया है, सेंड कर दिए गए हैं रिजल्ट्स एंड स्कूल्स विल बी इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली. हियर वी कैन सी दैट द बोर्ड स्पेसिफाइड दैट स्कूल्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड ओनली अबाउट द थ्योरी परफॉर्मेंस, व्हिच इज व्हाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विल नॉट बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. सो जैसे अभी तक होता था कि जब भी बोर्ड का रिजल्ट आता था तो वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है. इस बार डायरेक्ट स्कूल्स को बता दिया गया और स्कूल्स विल गेट इन टच विद यू. यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द स्कूल्स. प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट जो टर्म 1 पे बेस्ड थे उनकी कोई मार्कशीट फिलहाल नहीं है. जब टर्म 2 का रिजल्ट निकलेगा कि 1 मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड. ये भी कहा जा रहा है दैट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 62 स्कूल्स हैज बीन कम्युनिकेटेड प्रोविजनली एंड इज अंडर स्क्रूटनी. प्रोविजनल रिजल्ट वो होता है चिल्ड्रन, जब तक फाइनल रिजल्ट पूरा डिक्लेयर नहीं कर दिया जाए तो उसको प्रोविजनल बोलते हैं, ठीक है, एज ऑफ नाउ वाली सिचुएशन जो होती है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट सेम ही रहता है. बट यस, कभी कभी बच्चे स्क्रूटनी के लिए देते हैं तो उसके बाद कुछ मार्क्स चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको प्रोविजनल बोला जाता है. ओके, एंड देन वी सी हियर और क्या लिखा है, स्टेटिंग दैट द ऑनलाइन डिस्प्यूट रीड्रेसल मैकेनिज्म फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन has been made available with immediate effect. The board said students can send their disputes to the schools and schools can send the combined dispute to CBSE. तो अगर कोई भी आपको ऐसी disparity लग रही है कि आपने इतने marks expect किए थे और इतने आए हैं, तो आप अपने schools के through CBSE को contact कर सकते हैं. तो by and by result भी school के through आएगा. एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप स्क्रूटनी चाहते हैं अपने रिजल्ट की, अपनी आंसर स्क्रिप्ट की, तो वो भी आपको स्कूल के थ्रू ही भेजना है. एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी अगर आपको रीड्रेसल है, मीनिंग अगर आप चाहते हैं आपका पेपर दोबारा चेक हो या कैलकुलेशन में आपको लग रहा है कोई एरर हो सकता है, तो उसके लिए लास्ट डेट इज 31 मार्च. ओके, तो टुडे इज 20th चिल्ड्रन, हमारे पास सिर्फ 11 डेज हैं. अगर आपको ऐसे लगता है कि आप मार्क्स बेटर डिजर्व करते थे, जैसे ही आपको मार्क्स पता चलते हैं अपने स्कूल के थ्रू, फॉर रन आप स्क्रूटनी के लिए दे सकते हैं. ओके, एंड ये भी बोला गया है कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज थी और एनी अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच चिल्ड्रन हैड कम अक्रॉस और देयर वाज एन एरर इन क्वेश्चन पेपर या जो भी है, तो उसके लिए भी ड्यू केयर ली गई है. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ऐसा कुछ होता है बेनिफिट ऑफ डाउट बच्चों को मिलता है. ऑलराइट, सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. लाइकवाइज बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा कैलकुलेशन या रिकैलकुलेशन किया जाएगा. एंड आपको अगर पेपर में कोई प्रॉब्लम थी तो उसका नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा. ऑल दैट इज केप्ट इन माइंड व्हाइल दिस रिजल्ट हैज बीन कंपाइल्ड. ओके, फिर हम देखते हैं और क्या है इसमें. टू एड्रेस द डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर इन टर्म 1 एग्जामिनेशन लाइक स्पैनिश. स्पैनिश में क्या हुआ था कि 3 सेट्स में यू नो इट वॉज नॉट मैचिंग. जैसे सेट 1 डिफिकल्ट था, सेट 2 इतना डिफिकल्ट नहीं था, सेट 3 बहुत ईजी था. तो वो जो डिस्पैरिटी हुई थी उसके लिए भी एक्शन हैज बीन टेकन. सो इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ. CBSE has taken care कि किसी भी बच्चे को कोई नुकसान ना हो. एंड ये भी बोला गया है कि सम स्कूल्स लाइक द इंडियन स्कूल्स said that the performance communicated by CBSE will be made available on the school's website immediately to reduce anxiety among students and parents. So because you know children are very apprehensive, मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आ रही थी कल से. So
काफी सारे स्कूल्स ने ये भी डिसाइड किया है कि सीधा वेबसाइट पे डाल देंगे जो भी रिजल्ट है, एंड देन यू कैन चेक इट आउट. ऑलराइट, सो आई होप आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे चिल्ड्रन. मैं एक बार फिर यहाँ पे जो ये पॉइंट गिवन है इस पे फिर से आई विल मेक अ मेंशन ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आप 31 मार्च तक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हो, एंड देन यू कैन गो अहेड विद इट. ओके, माई एडवाइस इज जस्ट गो फॉर स्क्रूटनी इफ यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. अगर आपको डाउट है तो इट्स बेटर नॉट टू गो फॉर इट. ओके, दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो चिल्ड्रन. आई होप आप सबका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा रहे. ऑल द बेस्ट, एंड कीप चेकिंग फॉर लॉट्स ऑफ वीडियोज दैट आर कमिंग अप फॉर थ्योरी फॉर इंग्लिश ऑन माई चैनल. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.